लोकसभा चुनावों के नजदीक राजनीतिक सरगर्मियां हमीरपुर में बढ़ने लगी हैं और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। हमीरपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में आगामी रूप रेखा तैयार की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राजा राम राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत की। बैठक में बहुजन समाज पार्टी किस तरह से हिमाचल में अपना जनाधार बनाए और पार्टी को मजबूत किया जाए इस पर सुझाव लिए गए तो कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए। हमीरपुर के निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय बहुजन समाज पार्टी की बैठक में संगठनात्मक बैठक में चर्चा की गई और प्रदेश के पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए और पार्टी की मजबूती के लिए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही हिमाचल में भी कैसे पार्टी सुदृढ़ हो और यूपी की तरह जनाधार बने इस पर चर्चा की गई। वहीं चर्चा की गई कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में हाथी कैसे चढ़ पाए इस पर मंथन किया गया ताकि आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम आ सके। राजा राम राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को हिमाचल में आगे कैसे बढ़ाया जाए और संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रदेश के सदस्यों को पार्टी की गतिविधियों से अवगत करवाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी को लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्टेट की बैठक है और मुझे पहली बार आज हिमाचल प्रदेश की स्टेट की बैठक में भाग लेने का मौका मिला है और आज इन साथियों का सहयोग करने की जिम्मेवारी माननीय बहन जी ने हमें भी सौंपा है। इन साथियों के साथ मिलकर हिमाचल में बीएसपी की बात आगे कैसे बढ़े यह काम करने के लिए हम भी इन साथियों के साथ इधर लगे हैं। तो आज मेरी ये पहली परिचय बैठक है और संगठन से रूबरू होने वाली बैठक है, इस बैठक में मैं आज चल के आया हूँ।